कल दोपहर को राउज एवेन्यू कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल जी की रिमांड की बहस चल रही थी तो ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू जी ने अनजाने में ईडी के असली मोटिव को, ईडी के असली ध्येय को कोर्ट के सामने और दुनिया के सामने रख दिया। कल एसवी राजू जी कोर्ट में कहते हैं, वो कोर्ट में ये कहते हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को कुछ दिन और कस्टडी में रखने की जरूरत है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने फोन का पासवर्ड हमें नहीं बताया। ये वही ईडी है जिसने खुद बयान देकर कुछ दिन पहले बताया कि जो फोन एक्साइज पॉलिसी बनने के समय और लागू होने के समय अरविंद केजरीवाल जी के पास था वो फोन ईडी को नहीं मिला है, वो फोन अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है। तो एक्साइज पॉलिसी बनती है 2021 में, लागू होती है नवंबर 2021 से अगस्त 2022 तक। अगस्त 2022 से ईडी की गिरफ्तारी के बीच में डेढ़ साल से ज्यादा का समय बीत जाता है। ईडी खुद ये बयान देती है कि जो फोन अरविंद केजरीवाल जी का हमने जब्त किया है वो मात्र कुछ महीने पुराना है। तो फिर मैं ईडी से पूछना चाहती हूं कि मात्र कुछ महीने पहले पुराने फोन को ईडी क्यों देखना चाहती है जब उन्हें खुद पता है कि वो उस पॉलिसी के समय का फोन नहीं है। ऐसा क्या है अरविंद केजरीवाल जी के फोन में जो आज ईडी जानना चाह रही है, क्योंकि ये किसी जांच से तो जुड़ा नहीं हो सकता, ये एक्साइज पॉलिसी के फॉर्मुलेशन से तो जुड़ा नहीं हो सकता। कुछ महीने पुराने फोन में अरविंद केजरीवाल के क्या मिलेगा? कुछ महीने पुराने फोन में लोकसभा चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी मिलेगी। कुछ महीने पुराने फोन में अरविंद केजरीवाल की इंडिया अलायंस के बाकी सब लीडर्स के साथ साथ क्या बातचीत चल रही है वो मिलेगी। अरविंद केजरीवाल के फोन में कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी आम आदमी पार्टी जिन 23 सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसका सर्वे मिलेगा। आम आदमी पार्टी जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसका पूरा कैंपेन प्लान मिलेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या कम्युनिकेशन और मीडिया और सोशल मीडिया प्लान है ये मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड भारतीय जनता पार्टी को चाहिए।